नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। और मैं अमृता स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पे अमृता लाइफ स्टाइल एंड फूड पे। तो ये तो रहा हमारा रोज़ का इंट्रोडक्शन जो मैं आप लोग को देती हूँ। और आज एक वीडियो मैंने सवेरे एडिट किया था तो मैं भेज चुकी हूँ आप लोग के पास। और ये देखें, भागा ये लड़का जो है मुझे इतना परेशान करता है स्कूल जाने के नाम पे। इतना बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी परेशान करता है जी। और बताइएगा आप लोग कैसे हैं और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? मैं मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दिया है। इतना देखते कम से कम लाइक तो कर दिया, तो लाइक कर दिया मैंने प्लीज़। और आज जो है कुछ बनेगा जो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसका बहुत दिन से इंतज़ार है कि ये कब बनेगा। दिखाऊं, ये है उड़द की दाल। और उड़द की दाल मैंने अभी सुबह भिगोया है इसलिए अभी ये सही से फूला नहीं है, शाम तक फूल पाएगा अच्छे से। और जब ये अच्छे से फूल जाएगा ना तो फिर इसको ऐसे यूं यूं रगड़ के जो है ऐसे ऐसे इसके पूरे छिलके निकाले जाएंगे, तब जाके ये दाल पीसने लायक होगा। देखिए छिलका अभी छोड़ रहा है लेकिन अच्छे से नहीं छोड़ा। और ये है अरबी के पत्ते जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो रखा है। अब आप बताइएगा गैस करके कि क्या बनने वाला है। जो हमारे यहाँ हमारे तरफ के होंगे, यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, वो लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, क्या बनने वाला है। और जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे जानते सभी हैं, अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे बनने के बाद। उड़द की दाल का जो छिलका है ना उसको खूब अच्छे से हाथ से, जब बिल्कुल अच्छा से फूल जाएगा ना तो उसके बाद हाथ से हल्के रगड़ रगड़ के, वो कई वो पानी 3-4 पानी लग जाता है उसको साफ़ करने में, तो उसको साफ़ कर लिया है, उसके पूरे छिलके हटा दिए गए हैं। और ये धोई मिलती भी है मार्केट में लेकिन मेरे यहाँ अपने यहाँ की जो दाल है उसमें छिलका है, तो इसीलिए जो है उस छिलके को हटाने के लिए पहले इसको मैंने भिगो दिया। और भिगोने के बाद जब खूब अच्छे से फूल गया तो रगड़ रगड़ के इसके छिलके हटा लिए गए हैं और तब मैं इसको पीस लूँगी। और पीसना भी है तो बहुत टाइट नहीं पीसना, थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट पीसना है, फिर हल्का हल्का पानी डाला मैंने। उसके बाद मसाले जो थे प्याज लहसुन मिर्ची अदरक उन सबको भी मैंने पीस लिया। और पीसने के बाद जो है ये पत्ते हैं उनको मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। और पीछे हमने चाय भी चढ़ा दी है और जो है ब्रेड वगैरह है उसको सेक लेंगे। तो पत्तों को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर रहता है पता नहीं कितने केमिकल वगैरह खाद वगैरह डाली जाती है। वैसे इसमें खाद नहीं है क्योंकि ये हमारे अपने घर के ही पत्ते हैं और जो है ये धोई जो थी जो अच्छे से मैंने इसको धो के पीस लिया था उसी में इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े काट के जो है उसको मैश कर लिया जा रहा है। और इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो है अमचूर पाउडर, या खटाई हो तो खटाई डाल दीजिए। तो ये सबको मिलाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके उसको हाथ से रगड़ना है। जब बहुत अच्छे से हाथ से जो है खूब अच्छे से मारा हुआ रहता है ना, ये अमचूर पाउडर है और इसको जब हाथ से अच्छे से मारा हुआ रहता है ना तो इसका ये बिल्कुल हल्का हो जाता है। अगर सीधे ऐसे ही डाल के और हल्का सा मैश करके डाल देंगे ना तो इसके जो पकौड़े हैं वो बहुत हार्ड बनेंगे, इसीलिए इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको मारना है। और मारने के बाद इसको ना आप पानी में जैसे कि मतलब चेक करने के लिए कटोरी में पानी लीजिए, उसमें गिराइए ऊपर आ जाता है। और ये नाश्ते में बना था चिल्ला, तो जब तक वो सब बनता हो तो जो है इस बीच में मैंने बनाया था नाश्ता, और नाश्ते में हमारे यहाँ बनाया चिल्ले और चाय, यही खाया था हमने। और इधर मैं आ गई हूँ इन बड़ों को तलने के लिए। और बड़े ना बिल्कुल दही बड़े जैसे बनते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनाना है, हल्का सा हाथ में पानी लगाना है और इसको लीजिए और बीच से इसको हल्का सा छेद करते जाइए। बिल्कुल दही बड़े के जो बड़े होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही डालना है इसको, तेल थोड़ा तेज़ गर्म रहेगा और उसके बाद इसको बिल्कुल हाथ में पानी लगा लीजिए और लगा के बस डाल के बीच से छेद करते हुए उसमें डाल देना। बिल्कुल दही बड़े के बड़ों की तरीके बनता है, इसमें कोई मेहनत के काम नहीं है।
और उसको सॉफ़्ट करने के लिए उसको तुरंत पानी में डाल के और एक मिनट बाद उसको मैंने निकाल लिया है अलग प्लेट में, अब उसमें रख के छोड़ देंगे तो पानी कुछ ज़्यादा ही जाएगा। सिर्फ सॉफ़्ट होने के लिए इसको रखा जाता है, बस तुरंत रखा और बस तुरंत निकाल लेंगे, और गर्म ही गर्म रखना है, ठंडा नहीं रखना है। तो ये सारे बड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद आती है बारी मसालों की। तो मसालों में सबसे पहले डालेंगे मेथी और हींग, और मेथी और हींग डाल चटक गया है मेथी, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें हींग। और हींग डालना तो बहुत ज़रूरी है, बिना हींग के स्वाद नहीं आता है। तो जब ये हींग हो गया है और मेथी हो गई है, तो इसमें मैंने जो प्याज अदरक लहसुन ये है ना, इन सब जो पीसे हुए थे इन सबको भी डाल दिया है। और डालने के बाद इसको अच्छे से मैं इसको भून लूँगी, मैं जो है प्याज को लहसुन को और अदरक को। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें और मसाले जो हैं उसको भी ऐड कर देंगे। तो पहले ये प्याज है ना, इसको थोड़ा सा पकना ज़रूरी है, नहीं तो जो इसके अंदर का कच्चा पानी लहसुन का वो ऐसे ही रह जाएगा। जब प्याज हमारा हल्का रेड हो गया है, ब्राउन हो गया है, रेड ब्राउन जो जान लीजिए, तो जब अच्छे से वो हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का, जो पीस के टमाटर रखा था ना वही टमाटर इसमें डाल देंगे, पिसा हुआ है। काट के भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसी इच्छा हो। तो मैंने इसको तो पीस के डाल दिया है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और ये टमाटर खट्टा भी नहीं है, जो है नॉर्मली है, हल्का फुल्का बिल्कुल खट्टा नहीं था। अब इसमें ऐड कर लेंगे मसाले, हल्दी है, धनिया है, अभी एक चम्मच धनिया डाल दिया मैंने इसमें। और उसके बाद डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा जो है इसमें नमक और आमचूर पाउडर, जो भी मसाले थे ना बिल्कुल इन सब मसालों को अच्छे से डालेंगे। और डालने के बाद में इसको फिर भूनना है, और भूनना तब तक है जब तक कि मसाले अपना तेल नहीं छोड़ देते हैं। मसाले कहते हैं ना भून गया तो फिर अब तेल निकल आता है, तो बस। और ये आमचूर पाउडर है, तो इस आमचूर पाउडर मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। और आमचूर पाउडर तो इस वाले अरबी के पत्तों में डालना बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं डाला तो चाहे जितना भी अच्छा पत्ता हो, सॉफ्ट वाला पत्ता हो, उसकी जो होता है नहीं गले में खराश जैसी होने लगती है तो वो हो जाएगी। इसलिए आप डालो, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है डालना उसका। और उसको डालने के बाद में उसको जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब उसमें मैं भूल गई थी नमक डालना, सारा पकवान एक स्वाद एक तरफ, अगर मैंने बिना अगर बिना नमक के बना दीजिए तो मुझे याद आया तो मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया। होता है ना कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं तो बाद में ध्यान आता है, तो ठीक है जब याद आ जाए तभी डाल दो, लेकिन डालो ज़रूर। तो ये मसाले जो हैं बिल्कुल अपना तेल छोड़ चुका है, मसाले बिल्कुल पक चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और पानी भी अपने हिसाब से डालना है, आपको गाढ़ा खाना हो तो गाढ़ा, पतला खाना हो तो पतला, जैसी मन हो जैसी इच्छा हो उतने पानी डालिए और अच्छे से इसको पकाइए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताओ, आज तो है संडे, और जो बनाना था मुझे कल शाम को वो नहीं बना, वो सुबह बन रहा है। तो सुबह मैंने उसकी जो तैयारी होती है, जो भी कटना वगैरह था, पीसना था, सब कुछ कर दिया, और करने के बाद फिर अभी बना रही हूँ। तो अभी मैं बना कर आधा आई हूँ, अभी आधा और बनाना है, मतलब तो आधा आधा प्रोसेस करके। जितने कपड़े धुले थे अब चले सबको प्रेस करें। चलिए पहले इसको उठा ही लेते हैं यूनिफॉर्म। ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे से खोल चुकी है, एकदम से बढ़िया सा, जो ऊपर एक वाइट वाइट सा आने लगता है ना वो भी पूरा जो है हट चुका है, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और जब बहुत अच्छे से उबाल आ जाती है इसमें, तो जितने भी पकौड़े बनाए थे, मतलब जितने बड़े बनाए थे, उन सब बड़ों को मैं उसमें डाल दूँगी। और डालने के थोड़ी देर बाद, मतलब कम से कम 5 मिनट बाद जो है
गैस को ऑफ कर देंगे, इसमें बड़े ना अपने आप से चलने लगते हैं। चलने लगते हैं का मतलब जानते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है ना बड़े चल रहे हैं, चलने का ये कि जब वो अंदर उसके रसा खींचता है ना तो वो फूल जाता है, तो फूल के ऊपर आ जाता है। और ये हमारी सब्ज़ी बन के होगी तैयार। रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जैसी भी इच्छा हो उसके सबके साथ खाइए। और ये मेरे यहाँ बहुत, मेरे यहाँ जो सास ससुर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हीं के कहने पर मैंने इसको बनाया है। अब देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, वैसे पसंद तो है, अच्छा ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल, और मैं हूँ अमृता। और सारे काम वगैरह हो चुके हैं और आज है संडे, तो थोड़ा सा जो है थोड़ा काम ज़्यादा ही हो जाता है। तो आज बहुत दिन से ये हो रहा था कि बनाना है उसको, तो नहीं बना पा रही थी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसकी वजह से इंतज़ार कर रहे थे संडे का कि थोड़ा सा आराम से बन जाएगा। तो ये मतलब टाइम टेकन है तो थोड़ा धीरे धीरे बनेगा। तो आज तो पसंद की बना दी है, आई होप जो है उन्हें बहुत पसंद आएगा। पसंद आता भी है तभी तो कहा उन्होंने फिर से बनाने के लिए। और पत्ते तो बहुत हमारे यहाँ वैसे भी हो चुके हैं तो बना दिया, बनाने में क्या जाता है, बनाना है ही है। तो कभी कभी सबके मन का बना देना चाहिए, हर एक दिन अगर किसी के मन का बन जाए सब लोग खुश हो जाएंगे। तो ठीक है, और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप उसको दबाएंगे तो मैं आप तक तुरंत पहुँच जाऊँगी, और नहीं तो फिर आपको जो है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब आप यूट्यूब ऑन करोगे तब मैं लिखूँगी। तो प्लीज़ बेल बटन ज़रूर दबा देना, और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेरे बैग में आपको दिख रहा होगा हैंडपम्प ना, ये हैंडपम्प बहुत पुराना है। पुराना क्या है, मतलब जब से ये घर बना है तब से ये हैंडपम्प यहीं पर है, और इसी हैंडपम्प से कनेक्शन है पानी का। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखो कितना देर सर, हम आपके पूरा एकदम, हाँ 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 सर।